वेलकम बैक। शाइस्ता का बाप उसे अपने घर ले गया। मजीद एक साल शाइस्ता और उसका बाप आकर तारीखें भुगतते रहे, लेकिन केस वहीं का वहीं खड़ा रहा। 3 SHO और 4 जज बदल चुके हैं। पुलिस वालों को अभी तक रिकॉर्ड नहीं मिला। इस रिकॉर्ड के चक्कर में तो लगते हैं पूरी जिंदगी जेल में गुजर जाएगी। वकील साहब, हम तो हजारों रुपए पुलिस को दे बैठे हैं। जो भी जज आता है उसे नए सिरे से केस को समझना पड़ता है। तो फिर हम अगली पेशी पे आ जाएं? हाँ, उम्मीद है। ये जज जरा सख्त है, शायद उन्हें पूछेगा। सलीम को जेल में गए हुए 7 साल गुजर गए थे। अब शाइस्ता ने भी कचहरी आना छोड़ दिया था, या फिर उससे छुड़वा दिया गया। वो मंजर-ए-आम से बिल्कुल गायब हो गई। उसका वकील इंसानी हमदर्दी की बिना पर ये मुकदमा लड़ता रहा। जून में नई जुडिशियल पॉलिसी जारी हुई। उस वक्त 1.6 मिलियन केसेस अदालतों में इल्तवा का शिकार थे, जिनमें से आला अदालतों में 1,40,000 केस थे। नई जुडिशियल पॉलिसी में ये फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 1 साल के अंदर अंदर जेरे इल्तवा मुकदमों को निमटा देंगे। नई पॉलिसी से इंसाफ की फौरी फराहमी में किस कदर मदद मिलने के इम्कानात हैं? सिफर। ये कोई नई बात नहीं की इन्होंने। महज टाइम मुकर्रर कर देने से कभी कुछ नहीं होता। वसाइल ना हो, तरीक़ाकार ठीक ना हो। नैब की मिसाल लीजिए, नैब ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि मुकदमा 30 दिन के अंदर ख़त्म होगा। हुआ है कोई मुकदमा 30 दिन के अंदर ख़त्म? जब तक जजेस की तादाद पूरी नहीं होगी तब तक तो ये सारी बातें बेमानी है, कैसे हो सकता है? मातहत अदालतों में केसेस के जल्दी फैसला ना होने की एक वजह जजों की तादाद का कम होना भी है। क्या इसका केसेस पर असर पड़ता है? अगर जजों की तादाद कम है तो लोगों को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए क्या किया जा सकता है? हमेशा जितनी आपकी आबादी है उसके तनासब से होने चाहिए जज। जो जज की तादाद थी वो तो मुकर्रर हो गई आपकी 1860 में, और आबादी का तनासब उससे 100 गुना हो गया, तो कैसे वो जज निपटाए? वो तो निपटा सकते ही नहीं। जजों की तादाद एक फैक्टर है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। निज़ाम नाकिस है, जिसकी वजह से अगर आप जजों की एक फौज भी भर्ती कर लें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 20 साल तक सलीम का वकील इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उसका केस लड़ता रहा। आखिरकार सलीम को इंसाफ मिल ही गया और उसको शक का फायदा देकर बरी कर दिया गया। लेकिन सलीम अपनी जिंदगी के 20 साल खो चुका था। सलीम को जेल में फालिज हो गया और वो बोलने से महरूम हो गया। उसके वकील ने उसकी बीवी को खत लिखे, मगर उस पते से कोई जवाब नहीं आया। अब सलीम एनजीओ के ओल्ड एज होम में रहता है। ये सिर्फ सलीम ही की नहीं बल्कि और भी बहुत से अफराद होंगे जो इंसाफ का इंतजार करते करते बहुत कुछ गवा गए, या फिर अगले जहां चले गए, जहां वो अब उस दिन के मुंतजर हैं जब सबको इंसाफ मिलेगा। रस्म सितम के साथ उरूज नासिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।